हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसान स्टारडस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 80s के लॉस्ट एक्टर रोहन कपूर के कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर के बारे में। विवर 80s के एरा में गोविंदा स्टारर मूवी लव 86, जिसमें आपको गोविंदा के अलावा एक और एक्टर लीड एक्टर के तौर पर नजर आया था, वो थे रोहन कपूर। रोहन कपूर लव 86 के अलावा कितनी मूवीज में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चले व्यूअर, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इवर रोहन कपूर की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है फासले। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा सर ने। फिल्म की लीड कास्ट में सुनील दत्त, रेखा, फरानाज, रोहन कपूर, फारूक शेख, दीप्ति नेवाल, राजकिरण शामिल थे और ये फिल्म रिलीज हुई थी 27 सितंबर 1985 को। फासले एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.5 स्टार दिए गए थे और बॉक्स ऑफिस पर ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई थी। और व्यूवर, इस्माइल श्रॉफ की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी लव 86, फिल्म की लीड कास्ट में गोविंदा, रोहन कपूर, नीलम कोठारी, फरानाज और तनुजा शामिल थे। ये फिल्म 14 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी। लव 86 एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.8 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 80 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 2,55,00,000 के कलेक्शन किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक सीमा हिट फिल्म करार दिया गया। सुशील मलिक की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ईमानदार, फिल्म की लीड कास्ट में संजय दत्त, फरानाज, रोहन कपूर, प्राण और सुमित सहगल शामिल थे। ये फिल्म 3 सितंबर 1987 को रिलीज हुई थी। ईमानदार एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। फिल्म का बजट था 90 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 1,10,00,000 के कलेक्शन किए और एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और व्यूअर, डायरेक्टर एस कारनाम की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मेरा नसीब, फिल्म की लीड कास्ट में रोहन कपूर, अनुराधा पाटिल शामिल थे और यह फिल्म 23 जून 1989 को रिलीज हुई। और मेरा नसीब एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.7 स्टार दिए गए और बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और व्यूअर, डायरेक्टर विनोद तलवार की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वही भयानक रात, फिल्म की लीड कास्ट में रोहन कपूर, नीलम मेहरा, किरण कुमार और लीना दास शामिल थे। ये फिल्म 1989 को रिलीज हुई थी। वही भयानक रात एक हॉरर मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 3.4 स्टार दिए गए और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से ये एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और व्यूअर, डायरेक्टर इकबाल चन्ना की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मस्ती, फिल्म की लीड कास्ट में रोहन कपूर, नीता पुरी, जॉनी लीवर और जया माथुर शामिल थे। यह फिल्म 25 मार्च 1994 को रिलीज हुई थी। मस्ती एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म का बजट था 30 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 7,75,000 के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 14 लाख और बॉक्स ऑफिस पर मस्ती को एक डिजास्टर मूवी करार दिया गया। और व्यूअर, डायरेक्टर एच राजा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी पुलिस के घेरे में, फिल्म की लीड कास्ट में रोहन कपूर, उपासना सिंह, साधना सिंह, गोगा कपूर और शक्ति कपूर शामिल थे। ये फिल्म 29 मार्च 1996 को रिलीज हुई। पुलिस के घेरे में एक एक्शन मूवी थी। फिल्म का बजट था 35 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 5 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 8 लाख और बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। के रविशंकर की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मुलाकात, फिल्म की लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, मधु, रोहन कपूर शामिल थे। यह फिल्म 20 सितंबर 2002 को रिलीज हुई थी। मुलाकात एक थ्रिल ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 3.2 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 80 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 1 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 लाख और बॉक्स ऑफिस पर मुलाकात एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज एन एक्टर रोहन कपूर की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो ये रोहन कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर 8 मूवीज का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से उनकी सिर्फ एक मूवी सीमा हिट साबित हुई, वो भी गोविंदा स्टारर मूवी लव 86 थी। इसके अलावा उनकी 3 मूवीज फ्लॉप और 4 डिजास्टर रही है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनका सक्सेस रेशो बनता है 12.50%। तो यूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लॉस एक्टर रोहन कपूर की रिलीज इन 8 मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे इस चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।